Hello everyone, today we are here with another question from previous year question series, and this question was asked in December 2019 in CSI NIT exam. So, what was the question? The question was true statement for the following transformation is. ये एक ट्रांसफॉर्मेशन दी थी और उसके लिए चार स्टेटमेंट्स हमें दी थी इन चारों में से बताना है कि कौन सी ट्रू है और अगर आप देख पा रहे हो तो ऑप्शन में डेल्टा एच नोट एंड डेल्टा एस नोट की बात हुई है ठीक है तो यहां पे हमारे पास यानी इंथेलपी चेंज और एंट्रोपी चेंज की वो बात कर रहा है तो पहले तो हमें ये समझना है कि रिएक्शन हमारे पास किस टाइप की है तभी हम इन टर्म्स को रिलेट कर पाएंगे तो अगर आप यहाँ पे देख पा रहे हो तो ये आपके पास एग्जाम्पल है एक पेरिसाइक्लिक रिएक्शन का और पेरिसाइक्लिक में भी अगर मैं स्पेसिफिकली बताऊं तो ये हमारे पास डील्स एल्डर रिएक्शन हो रही है डील्स एल्डर रिएक्शन यानी फोर प्लस टू फोर प्लस टू कैसे आपके पास ये जो कंपोनेंट दिया है इसके ये फोर पाई इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेट करेंगे और इसके ये टू पाई इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करेंगे तो यहाँ पे फोर पाई की और टू पाई की एडिशन हुई है जिससे हमारे पास दो नए सिग्मा बॉन्ड्स बने हैं कौन कौन से एक ये नया सिग्मा बॉन्ड बना है और एक हमारे पास ये नया सिग्मा बॉन्ड बना है हमने यहाँ पे पाई को भी शिफ्ट किया है ठीक है तो जो ये रिंग है ये कैसे पार्टिसिपेट करी है ये पार्टिसिपेट करी है एनवलप शेप में हम फाइव मेम्बर रिंग को एनवलप शेप में रख के ही रिएक्शन करवाते हैं तो वही इन्होंने यहाँ करवाया है सो देट वॉज डील्डर रिएक्शन प्रोडक्ट ठीक है जो थर्मल कंडीशन में हमारे पास अलाउड है अभी फोर प्लस टू तो समझ आ गई कि डील जेल्डर रिएक्शन हो रही है ये प्रोडक्ट हमारे पास बन रहा है बट जो एंथेल्पी चेंज और एंट्रोपी चेंज की बात हो रही है पॉजिटिव नेगेटिव की बात हो रही है वो हम कैसे रिलेट करेंगे तो बहुत बेसिक सा कंसेप्ट आएगा इसके लिए और वो क्या कि देखो आपके पास यहाँ रिएक्टेंट में कितनी स्पीशीज़ थी दो स्पीशीज़ हैं मतलब एक ऐसे कोई स्पीशीज थी प्लस एक ऐसे कोई स्पीशीज थी ऐड हुई ऐड होके आपको सिर्फ एक स्पीशीज मिल रही है राइट एक कुछ मिल रहा है दो से एक चीज का बनना दो से एक चीज का बनना यानी रेंडमनेस कम हुई यहाँ पे आपके पास दो चीजें थी दो से अब सिर्फ एक मिल रही है यानी रेंडमनेस कम हुई रेंडमनेस कम होने का मतलब जब आप यहाँ पे डेल्टा एस कैलकुलेट करोगे तो वो आपके पास आएगा प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट और जब प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट होगा तो प्रोडक्ट आपके पास वन है जबकि रिएक्टेंट अगर हम देखें तो वन प्लस वन कितने हैं टू है तो एक बेसिक मैथ्स के अकॉर्डिंग आपका आंसर यहाँ पे क्या बनेगा आपका आंसर बनेगा माइनस वन यानी वैल्यू किस में आएगी वैल्यू आएगी नेगेटिव में दैट्स वाई जब आपकी रेंडमनेस कम हो रही है या आपके पास एंट्रोपी कम हो रही है तो जो डेल्टा एस नॉट है वो आपके पास कैसा आएगा वो आपके पास नेगेटिव आएगा दैट्स वाई जहाँ भी डेल्टा एस नॉट नेगेटिव लिखा है हम वो देख लेते हैं वो दिया है सेकेंड और थर्ड ऑप्शन में इट मीन्स फर्स्ट नहीं होगा फोर्थ नहीं होगा तो डेल्टा एस का तो क्लियर हो गया कि दैट शुड बी नेगेटिव ठीक है जी अब नेगेटिव का बात यहीं पे खत्म करते हैं अब आते हैं डेल्टा एच नोट पे तो डेल्टा एच नोट मतलब इंथेलपी चेंज ये बात कर ली हमने डेल्टा एस नोट की अब बात करते हैं हम डेल्टा एच नोट की अब इन्थेल्पी चेंज का हमें कैसे पता चलेगा वो हमें पता चलेगा इस रिएक्शन के थ्रू कि डील्स एल्डर रिएक्शन कैसी होती है सो so, डील्स एल्डर रिएक्शन हमारे पास एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है और जब भी एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी डेल्टा एच नॉट हमेशा कैसा आता है नेगेटिव आता है बस कितना सा कंसेप्ट था सो so, यहाँ पे क्योंकि डील्स एल्डर रिएक्शन हो रही है जो एक्जोथॉमिक रिएक्शन है जिसमें डेल्टा एच नोट या इंथेल्पी चेंज नेगेटिव आता है और रैंडमनेस की बात करें तो दो से एक बन रहा है तो प्रोडक्ट से रिएक्टेंट माइनस करेंगे तो वैल्यू यहाँ भी हमारी किस में आएगी नेगेटिव में आएगी यानी क्लियरली अब हम यहाँ पे कह सकते हैं कि अगर डेल्टा एच नोट है तो दैट शुड बी नेगेटिव एंड डेल्टा एस नॉट है देन दैट शुड आल्सो बी नेगेटिव तो इस पूरे ट्रांसफॉर्मेशन में डेल्टा एच नॉट भी और डेल्टा एस नॉट भी कैसा आना चाहिए नेगेटिव आना चाहिए सो विच ऑप्शन इज करेक्ट सेकेंड ऑप्शन इज करेक्ट सो बहुत ही बढ़िया और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था ये रिएक्शन मैकेनिज्म को बेसिक हमारे जो फिजिकल केमिस्ट्री के कंसेप्ट उसके साथ जोड़ा गया था सो so, इस तरीके के क्वेश्चंस आपके पास आगे भी आ सकते हैं एंड दिस वाज ऑल अबाउट द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन आई होप दिस वुड हेल्प यू थैंक यू